मानसून सत्र को शुरू हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है जो हमेशा होती है। वजह है 5 ऐसे मुद्दे जो विपक्ष के सवालों के घेरे में घिर सकती है सरकार। आखिर वो मुद्दे है क्या? मुद्दे ये हैं कि जो भी जासूसी को लेकर जितने भी सवाल उठे हैं, मीडिया की जो भी कार्रवाई हुई है उसके जवाबदेही को लेकर, और तीसरा है सबसे गर्म और बड़ा मुद्दा है किसान आंदोलन। आज कई सत्र बीत चुके हैं और आज मानसून सत्र है। अब इसको लेकर विपक्ष पार्टियां सरकार को घेरने के लिए बहुत ही सवाल लेकर संसद में पहुंचने वाली है। सबसे पहला सवाल उठता है किसान आंदोलन को लेकर, और इसी को लेकर कांग्रेस के जो मतलब युवा नेता कहलाने वाले या फिर जो नेता हैं राहुल गांधी, वो किसानों के साथ ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंचने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि वो सरकार से जो किसानों पर जुल्म किए जा रहे हैं, जो अपनी नीतियां थोपी जा रही हैं, उसको लेकर किसानों की जो आवाज़ है वो संसद में पहुंचाएंगे। और इसी के साथ जो विपक्ष पार्टियां हैं, जो मतलब जिस तरह से मीडिया के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उन पर आयकर विभाग का छापा मारा जा रहा है, और तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनके काम को रोकने के लिए, जो भी अड़चने सरकार डाल रही है उन पर भी सवाल उठने तो वाजिब हैं। और इसी के साथ जो जासूसी को लेकर अभी तक सबसे गर्म मुद्दा रहा है, उसको लेकर भी चर्चा होनी बाकी है। अब दूसरी बात ये है कि जो मतलब दो दिन पहले सदन में हंगामा हुआ, टीएमसी के नेता ने उसको लेकर काफ़ी बड़ा हंगामा किया और उनको इस सत्र से बाहर निकाल दिया गया है, यानी वो इस सत्र में मौजूद नहीं रहेंगे और उनको बाहर कर दिया गया है। वजह ये है कि उन्होंने जो आईटी के मंत्री हैं वेस्टों से उनका रसीद, जो मतलब उनके जो उनके पास जो नीतियाँ थी उनका रसीद उनसे खींच लिया था, इसी को लेकर वो बाहर कर दिए गए हैं। अब मुद्दा गर्म होने के बावजूद देखेंगे कि संसद में किस तरह की कार्रवाई होती है, क्या विपक्ष पार्टियां सरकार पर जो सवाल खड़े करती है वो पूरे हो पाती है, या जो सरकार को जो कानून पास करने हैं, कई ऐसे कानून हैं जो पास करने रह गए हैं, संशोधन भी करना रह गया है, वो पूरी कर पाती है या नहीं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिए कैमरा पर्सन लविश के साथ। मैं सौरभ शुक्ला, ACP नेटवर्क, पानीपत।